ओके गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो वीडियो है आपको पता चल गया है, इट्स अ मेकअप किट वीडियो। मतलब यू कैन कंसीडर दिस एज अ मेकअप किट, बट मैं इसका सेकेंड पार्ट भी बनाऊंगी जहाँ पे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। और मतलब इसी प्रोडक्ट्स को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ओनली वहाँ बातें करेंगे, बट यहाँ पे उसको कैसे यूज़ करना है इन योर ऑन टू योर, इसको कैसे यूज़ करना है अपने स्किन पे वो बताऊंगी। और मैंने ये किट बनाने में ना पूरा एक साल का समय लिया है। मैंने बहुत रिसर्च करके सोच समझ के हाई एंड ब्रांड के मिनी वर्जन में इन्वेस्ट किया है। सो फॉर द मिस्ट और द टोनर आई हैव मैक का प्रेप एंड प्राइम फिक्स प्लस। ये छोटू वर्जन है, ये 1200 का मिल जाता है और आप इसे मेकअप स्टार्ट होने के पहले अप्लाई कर सकते हो, प्रेप करने के लिए एंड मिड ऑफ द मेकअप में भी अप्लाई कर सकते हो, और इवन आफ्टर जब आपका मेकअप कंप्लीट हो जाएगा ना तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ना अभी मैक का ये प्रेप प्राइम लिया था, तो मुझे उस पर ये मिनी ट्रैवल साइज फ्री मिल गया था। ये 1.5 ml का है, तो इससे भी आपका बहुत अच्छा अप्लाई हो जाएगा। इनफैक्ट इसका जो स्प्रे है वो बहुत कमाल का है। नाउ अभी देखो मेरे पास है यहाँ पे फेस सीरम, और मैंने लिया है ये एस्टी लॉडर का। आप जब लगाओगे ना, जस्ट आपको 1 week ही हुआ रहेगा अप्लाई करे, आपको डिफरेंस फॉर श्योर दिखेगा। मैंने बोला ना, मैं मैक के स्टोर पे गई थी तो वहाँ पे मैंने ये सैंपल मांग लिया था गोल्ड लाइट का, तो मैं यही आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। मैक का स्टोप क्रीम ना मिनी भी आता है, तो आप वो भी ले सकते हो। और मैं इस सीरम को अप्लाई करने के पहले ही अप्लाई कर ले रही हूँ। इसमें 2 आते हैं, एक गोल्ड आता है और एक पिंक आता है। मेरे पास ये नहीं था, तो उसके पहले मैं ये न्यूट्रोजीना का ब्राइट बूस्ट जेल क्रीम यूज़ करती थी। अदरवाइज अगर आप नहीं लेना चाहते हो मैक का, तो आप ये न्यूट्रोजीना का भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सारे प्रोडक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिए हैं। इसको अभी हम थोड़ा सा स्किन पे छोड़ेंगे टू सेटल, ओके। एंटिल देन मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर रही हूँ, एंड आई हैव मेबलिन का बेबी लिप्स, बेरी वाला है ये, मुझे नाम नहीं याद है, बेरी शेड है, बट ये मुझे पता है। नाउ मेरे पास देखो एक ये भी है ईबा कॉस्मेटिक्स का, मस्ट हैव ईबा कॉस्मेटिक्स 24 कैरेट गोल्ड प्राइमर है। इट्स अ प्री मेकअप सीरम, ओके। तो मैंने एक और हाइड्रेशन का इसको लेयर दे दिया। नाउ आई हैव कंसीलर, एंड ये है बॉबी ब्राउन का कंसीलर, ये मिनी वर्जन है, और यहाँ पे लिखा है कि ये फुल कवरेज कवर करता है। एंड माई शेड इज वॉर्म हनी एंड क्वान्टिटी इज 2 ml, तो 2 ml की क्वान्टिटी है और आपको प्रोवाइड कर रहा है ये फुल कवरेज। ये 1400 का मुझे मिला है, वॉर्म हनी शेड है। तो इसको सबसे अच्छी बात इसकी है कि मैं ना इसका क्या करती हूँ ना, जस्ट थोड़ा सा ही आपको क्वान्टिटी की ज़रूरत पड़ेगी, और आप देख सकते हो ये जो शेड है ये लिटिल बिट वॉर्म है मेरी स्किन पे। तो सबसे अच्छी बात ये हो जाती है कि मुझे इसका बहुत ज़्यादा लेयर अप्लाई नहीं करना पड़ता, बस कलर करेक्शन के तौर पे बिफोर फाउंडेशन में अप्लाई कर लेती हूँ जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और आप देख सकते हो गाइस कि कितनी अच्छी कवरेज ये मुझे प्रोवाइड कर रहा है। अब अगर इसी मोमेंट पे मैं चाहूँ ना, तो मैं यहीं पे इसी मोमेंट पे मैं अपना कंसीलर लगाने के बाद अपना पाउडर लगा के फेस जो है वो सेट कर सकती हूँ, बट नहीं, मैं फाउंडेशन भी लगाऊंगी क्योंकि आई हैव फाउंडेशन। मैंने जान के जो ये शेड है ना, थोड़ा सा डार्क आप देख रहे हो ना, हल्का सा पीच टोन में जा रहा है, मतलब डिफरेंट अंडरटोन में जा रहा है, मैंने जान के लिया क्योंकि मुझे अपना कंसीलर एक शेड डार्कर पसंद है ताकि वो कलर करेक्ट भी कर दे। परचेज एस्टी लॉडर का मिनी वर्जन, और ये टॉनी शेड है, डबल वेयर ये फाउंडेशन है। द क्वान्टिटी इज 15 ml और इसकी प्राइस 1850 है। तो मैं अभी क्या करूँगी, इसको मैं इस तरह से डॉट करते करते मैं अप्लाई करूँगी। मैं बैक ऑफ हैंड पे नहीं ले रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही कम क्वांटिटी है। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मेरा शेड फॉन है, पर मुझे वहाँ जाके पता चला कि फॉन शेड जो है वो मिनी में अवेलेबल नहीं है, ओके। तो अभी ये अप्लाई किया है। अब मेरे पास एक ब्यूटी ब्लेंडर है, ये कफ्स एंड लैशेस का है, मुझे PR में आया था और मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। बट आप चाहो तो कलर बार का भी ले सकते हो, वो भी 200 में आ जाता है, बट अगर आप चाहो तो आप कफ्स एंड लैशेस का भी ले सकते हो। मैंने सच बता रही हूँ, मैं एक ड्रॉप भी इस फाउंडेशन का नहीं ली हूँ, हाफ ड्रॉप में मैंने पूरे फेस पे अप्लाई किया है, मतलब इतनी कंजूसी से अप्लाई किया है कि जिसका कोई हद नहीं है। और फेस को सेट करने के लिए आई हैव
ये थोड़ा एक्सपेंसिव है बट इट्स वेरी वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट. ये मिनी वर्जन नहीं है, इट्स मैक का स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन. माई शेड इज 41 एंड एप्लीकेटर आपको यहाँ मिलेगा जो कि एक्चुअली में आप यूज़ कर सकते हो. और मैं पहले इसको फोल्ड करके अपने अंडर आईज को सेट कर ले रही हूँ. देखो इसलिए मैं ज़्यादा कवरेज के ऊपर नहीं भागी और मैंने फाउंडेशन को बहुत ज़्यादा नहीं लगाया बिकॉज ये फुल कवरेज कॉम्पैक्ट है. आई एरिया को भी कंसील आउट कर रहा है, फेस को सेट तो कर ही रहा है बट साथ साथ थोड़ी कवरेज भी है मुझे दे दे रहा है. पिक्चर रेडी, ऐसा लग रहा है वाह इट्स सो नेचुरल बिकॉज राइट शेड है मेरे पास. purple.com उन्होंने दिवाली गिफ्ट में ये भेज दिया तो मैंने इसको रख लिया है एज अ क्या बोलूँ आईब्रो प्रोडक्ट फिलहाल के लिए. एंड इट इज लिटिल बिट ऑफ हार्ड काम करना इसके साथ क्योंकि ये बहुत प्रिसाइज है. नाउ अभी आई मेकअप के लिए मेरे पास मिनी में मिनी ब्रांड में मैं बहुत सोच रही थी कि हाई एंड ले लेती हूँ जैसे हुडा हो गया ठीक है. बट आई ऑलरेडी हैव हुडा का 5000 वाला पैलेट जो बड़ा वाला है एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दैट. तो मैं हाई एंड ब्रांड का ही मिनी लेना चाहती थी आई शेडो में लेकिन मुझे एक्चुअली में समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा वाला लूँ. बिल्कुल ही मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा वाला लूँ. और मेरे पास ऐसा नहीं है कि मिनी में अवेलेबल नहीं था, बहुत सारे ब्रांड्स थे पर मुझे एक्चुअली काफ़ी सेटिस्फैक्शन ऑलरेडी है अपने आई शेडो पैलेट से और मेरे पास हुडा का बड़ा वाला था और आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दैट. तो मैंने सोचा कि चलो एक अच्छे ब्रांड में ले लेते हैं जो कि अफोर्डेबल हो विच इज़ नायका. तो ये नायका का आई कलर पैलेट है 01 and 07 एंड इट इज़ रियली पिगमेंटेड. तो ज़रूरत नहीं लगी मुझे अलग से किसी ब्रांड को कंसिडर करने की. तो बेसिकली मैं ये दोनों मैट शेड ले रही हूँ एंड आई एम जस्ट प्लेसिंग इट अपने ट्रांजिशन पे. सेम को ही मैं अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर ले रही हूँ. अच्छा द ब्रश आई एम यूजिंग इज शुगर का डुअल एंडेड, ये बहुत अच्छा हो जाता है यूज़ करने में. नाउ अभी मैं क्या करूँगी, ये पिंक वाला शेड लेकर यहाँ पे अप्लाई करूँगी. मुझे लगता है जो ब्राइड्स हैं ना उन्हें इस तरह के पॉप कलर जरूर अप्लाई करने चाहिए. अभी हम काजल अप्लाई करेंगे एंड सच बता रही हूँ मेरा फेवरेट काजल है मामा अर्थ का काजल. मैंने सोचा था पहले मैं इंग्लॉट का जेल लाइनर ले लूँगी लेकिन मैं जेल लाइनर इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती. मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ कोल अप्लाई करना. मामा अर्थ का एक और आता है जिसको आप शार्प करके यूज़ कर सकते हो बट मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है. ओनली आउटर पे लगा रही हूँ. आई लाइनर अप्लाई करेंगे अगेन आई हैव मामा अर्थ का ही आई लाइनर. क्यों लिया है मैं आपको रीज़न बताती हूँ. देखो एक तो इसका एप्लीकेटर जो है वो लंबा ज़्यादा नहीं है तो अच्छा होल्ड मिलता है. प्लस इसका जो ब्रश है आप ध्यान से देखना बहुत पतला है. तो अगर आपको एकदम थिन से थिन आई लाइनर, क्योंकि ब्राइड्स जो है ना वो बहुत ही सिंपल मेकअप करती हैं, हालांकि इट्स टोटली अ चॉइस, आप ड्रामेटिक भी कर सकते हो और बहुत अच्छा हैवी मेकअप भी कर सकते हो. और इससे छोटा वाला विंग भी ना बहुत कमाल का बनता है. ओके एनीवेज अभी ये वाला पार्ट डन हो गया. अब हम आई मेकअप का लास्ट स्टेप करेंगे विच इज़ द मस्कारा. और देखो मैंने थोड़ी शॉपिंग की थी ना, ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी तो मुझे ये टू फेस्ड का मिनी मस्कारा भी सैम्पल साइज फ्री मिला है जो कि 3.9 grams है. मैं आपको एक साइड यह लगा के दिखाती हूँ और एक साइड मैंने मैक का परचेज किया है. ये 1900 का मस्कारा है, एक्चुअली इसका बिगर साइज वाला 3000 कुछ है पर मैंने बहुत सुना था ये बहुत अच्छा और बहुत अच्छी वॉल्यूम देता है. सोशल मीडिया पे ना टू फेस्ड का BTS मस्कारा बहुत फेमस है तो मैं आपको दोनों एक एक साइड लगा के दिखाती हूँ. पर्सनल फेवरेट मेरा मैक है वैसे, पहले ही बता दिया है. एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने इसे खरीदा नहीं, इसे खरीदा है और ये मुझे फ्री मिला. देखो एप्लीकेटर ना बिल्कुल लॉरियल जैसी है और अगेन छोटा एप्लीकेटर मतलब लेंथ है एप्लीकेटर का तो कमाल की होल्ड मिल जाती है आपको. ये क्या करता है ना, ये एक एक लैशेस को अच्छे से कोट करता है और उनको लाइट वेट ही रखता है. तो आप इसे एवरी डे में यूज़ कर सकते हो इफ़ यू आर अ मस्कारा लवर. बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यस दिस इज़ योर मतलब ओकेश वाली फीलिंग आ रही है मुझे. हो सकता है मैं इससे ज़्यादा, इससे अच्छा तो मुझे इसके पहले मेरे पास ना अपने किट में मैं ये वाला रखती थी लॉरियल का लैश पैराडाइज मस्कारा. अब आप देखो इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी कलर वलर सेम है, एप्लीकेटर भी काफ़ी सेम है बाय द वे. तो मैं अगर इन दोनों का कंपैरिजन करूँ ना तो ये इतना भी अच्छा नहीं है. 2000 का आता है ये मस्कारा और ये 700 में कमाल का है.
ये 2000 का मस्कारा, ये 700 का मस्कारा, ये ज़्यादा अच्छा है, ये उतना मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ऐसा लगता है ठीक है आपने एक नॉर्मल मस्कारा बस अप्लाई किया है। अभी आपको मैं मैक लगा के दिखाती हूँ। मैक का मस्कारा का जो एप्लीकेटर का फ्रंट है ना, उसकी वजह से बहुत अच्छी एप्लीकेशन हो जाती है, क्योंकि छोटे से छोटे जो हेयर है ना उसको भी ये बहुत अच्छे से कोट कर देता है। अभी हम दोनों मस्कारा का सेकेंड कोट भी अप्लाई करेंगे। देखो अभी आपको फर्स्ट कोट में मैक ये ऐसा रिजल्ट दे रहा है, और फर्स्ट कोट में टू फेस्ड ऐसा दे रहा है। तो अभी बाकी है ब्लश, कॉन्टोर और हाईलाइट। ब्लश के लिए ना मैंने बहामा मामा का एक मैट ब्लश देखा था, 900 का था, पर मुझे बहुत ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा था उसमें, वो बात नहीं लग रही थी कि मैं उसमें पैसे लगाऊं। तो मेरे पास ना ये मेबलिन का ब्लश है, ठीक है, जिससे मैं वाकई बहुत इम्प्रेस्ड हूँ ऑलरेडी। और मेबलिन का मैं ये ब्लश ना, मतलब मेरा लाइफ का फर्स्ट ब्लश है, तो मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। इसका टोन्स भी बहुत कमाल का है, सबसे पहली बात तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसका न्यूट्रल टोन में आता है थोड़ा ये, तो आप इसे बिल्डअप भी कर सकते हो, अदरवाइज़ यू आप इसे ऐसे भी लगा सकते हो। ये ब्लश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और मैं सच बता रही हूँ, मतलब छोटी सी पैकेजिंग है तो एक तरह से मिनी ही हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। आई लव दिस ब्लश, आई जस्ट लव दिस ब्लश। नाउ फॉर द ब्रॉन्जर, मेरे पास बहुत टाइम पहले से है ये हूला का ब्रॉन्जर मिनी साइज़, और ये हूला बेनिफिट ब्रांड है बाय द वे। इसमें आपको ब्रश भी मिलता है, तो आपको अलग से कुछ कैरी नहीं करना है। एंड देखो ये बहुत इजीली कट भी लगा देता है, मतलब एप्लीकेशन एकदम आराम से होता है, और इसको जब आप ब्लेंड करोगे तो अपवर्ड में ब्लेंड करोगे, अपने ब्लश में मिला दोगे बेसिकली। फिर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, सेम अंदर की तरफ ले जाना है, तो ये बिल्कुल झाड़ू के जैसे ही है। मैंने यहाँ पर भी इसको अच्छे से कट कर दिया है। नाउ आई हैव हाइलाइटर, जो कि मैंने स्मैश बॉक्स का लिया है, ये बेका का हाइलाइटर है। तो ये बेका का हाइलाइटर है, ये 1600 का है, ये सी पॉप हाइलाइटर, इसमें सिर्फ एक ही शेड आता है, पर इसमें आपको ना सिल्वर और गोल्डन टोन मिल जाता है, और आप देख सकते हो ये इंडियन स्किन टोन पे बहुत अच्छा लगेगा। शैम्पेन काइंड ऑफ शेड है, इसमें छोटा सा मिरर भी है, तो आप प्लेसमेंट देख सकते हो अपनी स्माइल करते हुए, ब्रश को टिल्ट करते हुए अप्लाई करना है नोज के पैरेलल, और लिफ्ट करते हुए अप्लाई करना है कुछ इस तरह से। इट्स अ वेरी नाइस हाइलाइटर, बहुत अच्छा पॉप आता है इससे। देखो मैं तो बहुत मैंने सोचा नहीं था मैं लूँगी, क्योंकि मुझे मैक का फ्री मिल गया था, लेकिन जब मैंने ट्राई किया ना ये वहाँ पर, इतना अच्छा लगा मुझे कि मैं खुद को रोक नहीं पाई लेने से। एंड आप इसे एज आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो, पर ये मैं वाकई बहुत, मतलब ये मैंने प्रोडक्ट देखा ना, आई वॉज लाइक दे दो मुझे, बहुत अच्छा लगता है, और आईज जो है वो बहुत ओपन अप हो जाती है। ओके, मेरे पास ना आईब्रो प्रोडक्ट के लिए ये कलर बार का भी मिनी था, ये मेरे पास पहले से ही था, मैंने लिया नहीं था, और ये इतना छोटा सा है ना, तो ये मेरे वैनिटी में खोस आ जाता है, तो मैंने इसको बस ऐसे ही रख लिया, क्योंकि ये थोड़ा सा ना डार्क है अप्लाई करने में। नाउ ऑलमोस्ट जो मेरा मेकअप है वो हो गया है, बस बचा है जो सेकेंड कोट मस्कारा है, तो मैं BTS वाला एक बार और लगा के आपको दिखाती हूँ कि सेकेंड कोट पे ये किस तरह से दिखता है। देखो जब हम मस्कारा का सेकेंड कोट लगाते हैं तब कितने अच्छे से ये और भी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है ना। सेम अभी हम मैक का भी लगाएंगे, कहाँ गया, मैंने रख दिया गया। तो ये वाली साइड, ओके सो दिस साइड इज मैक एंड दिस साइड इज टू फेस BTS, आप देख लो डिफरेंस आपको क्या लग रहा है। अभी ना जो मैंने बॉबी ब्राउन वाली लिप क्रश्ड मैट लिप लिक्विड लिपस्टिक का सैम्पल बताया वो लगा के आपको दिखाती हूँ। दिस इज स्लो जैम, तो वो ये देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। शेड इज वेरी न्यूट्रल एंड वेरी नेचुरल, अगेन इन द मिनी साइज आई हैव द, मतलब सैम्पल साइज आई हैव, बट मेरे को एस्टी लॉडर ने ये भी फ्री दिया था। ये लिपस्टिक है, बहुत प्यारी शेड, इट्स रिबेलियस रोज 420 शेड, कमाल का शेड है, बिल्कुल रोज शेड है,
ओके गाइज, सो दिस इज माई फाइनल लुक एंड आई एम क्वाइट लाइकिंग इट. ओपन हेयर है और साइड पार्टीशन किया है. यू कैन स्ट्रेट अप योर हेयर अगर आपको हेयर स्ट्रेट रखना है, या कर्ल कर सकते हो, और वॉल्यूम चाहिए तो क्रम्पिंग कर सकते हो. आई एम क्वाइट लविंग माई मेकअप टूडे. बहुत ही अच्छा ग्लोई, बिल्कुल विंटर में जैसे हमें ग्लोई मेकअप चाहिए होता है, बिल्कुल वैसा ही टर्न आउट होकर आया है. आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया. अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा. सारे प्रोडक्ट के लिंक इज ऑलरेडी इन द डिस्क्रिप्शन. आपको बेस्ट पार्ट कौन सा लगा वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. मैं हूं सोनाली, मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में. टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर.